अब हम बेटे आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूटिलिटी। यहां से आप भी सब लोग साथ में चलेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर जिसे बोलते हैं 2.57। हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बिजनेसमैन को कंज्यूमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या उससे उसे कोई फायदा होगा? कंज्यूमर के बिहेवियर से मुझे क्या फायदा हो सकता है? कंज्यूमर का बिहेवियर देखते ही तो मैं अपने प्राइसेस डिसाइड करूंगा। कंज्यूमर का बिहेवियर देखते ही तो मैं अपनी सेल कर पाऊंगा। अगर मुझे लगता है कंज्यूमर ज्यादा पैसा दे सकता है तो मैं उससे ज्यादा पैसे ले लूंगा, कम दे सकता है तो भी मैं उसे माल बेच दूंगा अकॉर्डिंगली। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप जो भी नए बच्चे हैं, बात ध्यान रखिए, वी ऑल आर बिजनेसमैन, हम कभी कंज्यूमर नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे इकोनॉमिक्स में हम कई बार अलग अलग प्लेसेस पर पहुंच के अलग अलग तरीके को सोचा करते थे, बट इस पूरे सब्जेक्ट में वी ऑल आर बिजनेसमैन ऑलवेज। ठीक है, अब हमें कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। इसके लिए हमारा एक पॉइंट है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। ये सब आप लोगों ने बारहवीं में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर। कितने बच्चे ऐसे जिनको इकोनॉमिक्स नहीं थी? एक बार और रेज योर हैंड। ठीक है, यूटिलिटी का, हाँ ठीक है, यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर। इसको हम सेट सिंपली बोले तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। और कभी भी किसी कंज्यूमर से पैसा लेना है तो सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा। एंड यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन है। एंड कंज्यूमर ऑलवेज पे अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी। कंज्यूमर हमेशा यूटिलिटी के हिसाब से पे करना चाहता है। अगर कंज्यूमर बहुत सेटिस्फाइड हो रहा होगा तो क्या होगा? ब्रांडेड कपड़ों के ज्यादा पैसे क्यों दिए जाते हैं? आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस अलग पड़ रहा है। तो अगर हमें कंज्यूमर से पैसा लेना है, हम सारे बिजनेसमैन हैं, हमें कंज्यूमर से पैसा लेना है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई ज्यादा करना पड़ेगा। यूजफुलनेस का यूटिलिटी से कोई मतलब नहीं। मेडिसिन यूजफुल होती है बट बहुत ज्यादा पैसे पर हमें लगता है कि यार ये क्या मतलब है। लिकर यूजफुल बिल्कुल नहीं होता लेकिन लोग उसके लिए बहुत सारा पैसा देने को भी तैयार हो जाते हैं। पुरानी शराब की बोतल के लिए और पैसा देंगे, महंगी शराब की बोतल के लिए और तैयार रहेंगे। क्या वो यूजफुल है उसके लिए? नहीं, लेकिन फिर भी पैसा है। तो यूजफुलनेस से कंज्यूमर पैसा नहीं देता है। वो यूजफुलनेस अगर उसको सेटिस्फेक्शन दे रही हो, बीमार है तो दवाइयां सेटिस्फेक्शन दे देगी तो अलग बात है। अदरवाइज वो हमेशा पेमेंट का जो जनरल वे होता है वो किसके बेसिस पे होता है? यूटिलिटी। तो कंज्यूमर ऑलवेज वॉन्ट्स टू पे एज पर देयर यूटिलिटी। अब हमें इस यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यूटिलिटी समझना इसलिए जरूरी है, कंज्यूमर इसके अकॉर्डिंग पैसे देगा। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में दो लोगों ने एक्सप्लेन किया है, मार्शल ने और एक, मतलब तीन है लेकिन दो साइड है, हिक्स एंड एलन और मार्शल। इन लोगों ने कहा अगर आप सारे लोग बिजनेसमैन हैं तो आप कंज्यूमर का बिहेवियर जरूर अंडरस्टैंड करें, अकॉर्डिंगली बिहेव करें। कंज्यूमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यूटिलिटी समझना पड़ेगा। कंज्यूमर की जेब से पैसा निकलेगा जब वो सेटिस्फाइड होगा। यूटिलिटी के लिए दो लोगों के हैं, मार्शल और हिक्स एंड एलन। मार्शल कहता था, मार्शल का कॉन्सेप्ट है कार्डिनल और हिक्स एंड एलन का कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल। 12th का ही है ये पार्ट, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं 12th वाले जो नए बच्चे हैं उन्हें भी आ जाएगा। कार्डिनल का मतलब होता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ये कहते हैं यूटिलिटी
कैन नॉट बी मेजर्ड ओनली प्रेफरेंस ऑर्डर कैन बी गिवन. कार्डिनल का मतलब है 1, 2, 3, 4. ऑर्डिनल का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी प्रेफरेंस ऑर्डर से. कंज्यूमर की यूटिलिटी के लिए मार्शल कहता है यूटिलिटी नापी जा सकती है, कंज्यूमर फील कर सकता है कि यूटिलिटी कितनी हुई है. और हिक्स एंड एलन कहते हैं यूटिलिटी नापी नहीं जा सकती, यूटिलिटी में प्रेफरेंस दिया जा सकता है कि इनसे मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, इनसे कम हूं, इनसे कम हूं, इस चीज में मैं सबसे ज्यादा हूं, फर्स्ट नंबर दूंगा, इसे सेकंड दूंगा, इसे थर्ड दूंगा. यानी अगर मार्शल की बात माने और आप लोग बाहर निकले और आपका कोई बाहर इंटरव्यू ले और आपसे पूछे कि भाई आप कितना सेटिस्फाइड है, और आप बोले आज मैं 25 रुपए का सेटिस्फाइड हूँ, सपोज यू कैन स्पीक लाइक दिस, तो इसका मतलब आप मार्शल के फॉलोअर हैं. आप बोल रहे हैं आज मेरे को 35 रुपए का सेटिस्फेक्शन हुआ, ये बोलते हैं 50 रुपए का हुआ, कोई 100 रुपए का बोलता है. बाहर शिवी मैम नोट कर रही है कितने कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन हुआ. तो इट मींस आप लोग फॉलो किसको कर रहे हैं, मार्शल. और अगर आप बाहर निकल के कहते हैं कि आज मैं कल के कंपैरिजन में कम सेटिस्फाइड हूँ, यस्टरडे आई वाज मोर सेटिस्फाइड, या मैं राधे सर को फर्स्ट रैंक दूंगा, इनको सेकंड दूंगा, इनको थर्ड दूंगा, मैं इनसे ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ. हमने कहा नहीं, रुपए में बताओ, रुपए में. आपने कहा रुपए में ऐसे नहीं बता सकता, रुपए से कैसे मतलब, आई कैन फील, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ, बट मैं उसे रुपए में डिफाइन नहीं कर सकता हूँ. फीलिंग्स रुपए में कैसे डिफाइंड होंगी? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप हिक्स एंड एलन के फॉलोअर. प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या लगता है? इकोनॉमिक्स पढ़ा या नहीं पढ़ा? एक्चुअली में तो यही है, हिक्स एंड एलन यूटिलिटी नापी नहीं जा सकती, लेकिन हमें दोनों अमाउंट समझने के लिए कहें उसको फॉलो करने के लिए हम इससे क्वेश्चन आगे तो करते रहेंगे. आपको दोनों ही पता है कॉमन है, बट फिर से अलग अलग बात है. तो ये कह रहे हैं यूटिलिटी आप क्या कर सकते हैं, सर नापी किस चीज में जा सकती है? 12th कहते था इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स नापो और यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट करो. बारे में ध्यान है कि इतने यूटिल्स और एक मनी इक्वल्स टू इतने यूटिल्स, तो फिर यूटिल्स को किस में कन्वर्ट करते थे? मनी में. तो इसलिए हम ज्यादा बेटर कहेंगे यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी. दैट्स इट. यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी. अरे वो इनडायरेक्टली नाप पकड़ के तो मनी में ही थे ना, पहले बोलते थे. बारहवीं का याद है ना, 7-8 दिन पहले का पेपर हुआ था, उसमें वो क्या कहते थे कि इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ और एक देते थे 1 रुपए इक्वल्स टू इतने यूटिल्स. फिर आप यूटिल्स से किस में जाते थे? रुपए में जाते थे. तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया फाइनली तो रुपए में ही आना है. तो इसलिए प्रोफेशनल स्टडीज कहती है कि भैया इन्हें मनी में ही नाप लो. यूटिल क्या चीज होती है? किसी को इस क्लास के बाहर जाकर पूछो यूटिल यूटिल कोई समझ पाएगा क्या? और मनी मनी सब समझ जाएंगे. मनी में तो सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, यूटिल्स में अजीब सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्या समझ में आएगा? तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी, यानी आप रुपए में बता सकते हैं कि साहब मुझे इतना सेटिस्फेक्शन है, जो एक्चुअली में पता नहीं कैसे समझाएंगे. और ऑर्डिनल में प्रेफरेंस ऑर्डर है. ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाली बात हमने लिख दी, यहां लिख लिया. इसके लॉ को बोलते हैं, जो इसने बात बताई उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसके लॉ को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व. इसकी अप्रोच थी इनडिफरेंस कर्व अप्रोच. इसे आगे से हम डीएमयू बुलाया करेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, उसको इनडिफरेंस कर्व आईसी बोलेंगे.
इसके लॉ को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम मार्शल के साथ ही रहते हैं, कल तक हम मार्शल के साथ रहेंगे, फिर हम एलेनिक्स के साथ रहेंगे। इसका लॉ था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं पहले इन तीनों चीजों पे बात कर लेता हूं। डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरता हुआ, किसी भी चीज के गिरने को हम डिमिनिशिंग बोल सकते हैं। तो डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग एक ही होते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब गिरता हुआ, तो डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग एक ही होते हैं। मैंने सब बोल दिया, गिरते गिरते वो घुस भी गया, नेगेटिव हो गया, तो उसे भी बोलेंगे। लेकिन अगर मैं डिक्रीजिंग बोलता हूं ना, इसका मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव। ऐसा है ना, प्रोडक्शन पढ़ा होगा और जगह पढ़ा होगा डिक्रीजिंग नेगेटिव, तो वहां डिक्रीजिंग बोलते थे, डिमिनिशिंग नहीं बोलते। तो कुछ जनरल सी बात है। बहरहाल डिमिनिशिंग का मतलब गिरता हुआ, गिरते गिरते कहां वो नेगेटिव हो जाए। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल का मतलब होता है ईच एडिशनल। अब मैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ नॉन इकोनॉमिक्स बच्चे भी हैं, इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। बेटे डिमिनिशिंग का मतलब सब सबको समझ में आ गया, गिरते हुए और माइनस की फिगर्स भी इनके अंदर इंक्लूड रहेंगे, बट डिक्रीजिंग में माइनस की फिगर इंक्लूड नहीं होंगी। तो एक जनरल सी बात है। यूटिलिटी का मतलब समझ ही गया, सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्जिनल का मतलब होता है हर एडिशनल यूनिट पर क्या हुआ। देखिए दो वर्ड्स यूज होंगे इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल एक एवरेज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये सपोज लेबर है और ये सपोज टोटल प्रोडक्शन है इनका। अभी यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मार्जिनल कॉन्सेप्ट बता रहा। मार्जिनल का मतलब था हर व्यक्ति ने क्या किया, हर एक पर्सन ने क्या किया। तो पहली लेबर ने कितना माल बनाया, नॉन इकोनॉमिक्स बच्चे बताएं। मुस्कान, कई मुस्कान है, ये वाली यहाँ पे कई बच्चे हैं ना, मुस्कान हाँ बताइए। पहली लेबर ने कितना माल बनाया, 10। दूसरी वाली ने कितना बनाया, दूसरी के आने के बाद टोटल 22 हो गया, 12। तीसरे वाले ने कितना बनाया है, भाई दो लोगों ने मिलकर 22 बनाया था, तीसरे आदमी के आने के बाद टोटल प्रोडक्शन 36 हो गया। तो थर्ड वन ने कितना बनाया, 14। अगर आप सिर्फ इनके प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स बोल देना मार्जिनल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हर, तो इसका मतलब हम बात करते हैं मार्जिनल। इन दोनों का ऑन एंड एवरेज के बारे में बहुत अलग बात है। इन दोनों का टोटल क्या है, टोटल तीन टर्म यूज होंगे आगे, टोटल मार्जिनल है। सिर्फ इनका प्रोडक्शन बना है मार्जिनल, इन दोनों ने ऑन एंड एवरेज का बनाया हुआ है। फोर्थ के आने के बाद प्रोडक्शन 40 हो गया, 4, और फिफ्थ के आने के बाद 35 रह गया, माइनस का 5। बोलिए इसमें मार्जिनल समझने में कोई दिक्कत है? तो मार्जिनल का एक फॉर्मूला होता है Tn minus 1। T मतलब टोटल। अभी मैं मार्जिनल कंसेप्ट बता दूं, जो 12th के बच्चों ने थोड़ा सा बोरियत होगी, बट हमें सबको लेके साथ में चलना है। T
टी मतलब टोटल, एन मतलब नंबर। जैसे समझो थर्ड का मास तो निकल जाता है, तो थर्ड का टोटल एन का मतलब थर्ड का टोटल 36 माइनस 3 माइनस 1 2 का टोटल 22 और वी कैन से थर्ड का मार्जिनल इज 40। तो डिफरेंस समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, टी एन माइनस टी एन माइनस वन जैसे भी ऑब्जेक्टिव, आपने सिर्फ हर एक का इंडिविजुअल निकालना, वो आपका सेंस भी बता देगा किसने कितना करा। अच्छा, 7 के बाद ये प्रोडक्शन हो गया 40। बताइए मुस्कान कितना मनाया है, मार्जिनल कितना है? 35 था, 5 पे 35 था, 7 पे 40 हो गया मार्जिनल। बताइए आप लोग बताइए कितना मार्जिनल है भाई, 35 था 40 हो गया, जरूरी थोड़ी ना है, मैं तो सिर्फ मार्जिनल समझा रहा हूँ, ये नहीं कि घटा फिर बढ़ा, इससे इसको छोड़िए, ऐसे कर लीजिए ना, 4 40 थे, 6 से 45 हो गया। बताइए मार्जिनल कितना है, या 5? मार्जिनल का मतलब हर बंदे ने कितना लाना होगा, 4 लोगों ने 40 लिया ना, इसके बाद दो बोलते जाएंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 45 हो गया। कितना बनाया इन दोनों ने, 5, बट इन दोनों ने जबकि मुझे क्या चाहिए मार्जिनल के लिए, ईच एडिशन, हर एक ने कितना बनाया, तो दो लोगों ने 5 बनाया, एक ने कितना बनाया होगा 2.5। तो इसका मतलब मार्जिनल का एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एन। आप इस फॉर्मूले में छोटी सी फॉर्मूले को कर लीजिए, यानी डेल्टा के टोटल का डिफरेंस 12 नंबर्स का डिफरेंस 1 12 का डिफरेंस 1 12 टोटल का डिफरेंस 14 नंबर का डिफरेंस 1 14 4 1। लेकिन इस फॉर्मूले को हम अगर यूज करते हैं क्या होगा, मैं अगर बोलता हूं लेबर का मार्जिनल निकालो तो इसका मतलब हर लेबर ने कितना काम किया, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन निकालो तो हर यूनिट पर कितना सेटिस्फेक्शन आ रहा है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताइए, मैं अगर बोल रहा हूं टोटल बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए मार्जिनल बढ़ेगा या घटेगा, टोटल बढ़ रहा है घटेगा, टोटल बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कौन है, हाँ ठीक है कुछ भी हो सकता है, आप बताइए पांडे जी, टोटल बढ़ रहे हैं, मुस्कान भी आप बताइए सेकंड मुस्कान, टोटल बढ़ेगा तो मार्जिनल इंक्रीज होगा, आप कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, आप कह रहे हैं डिक्रीज होगा, मतलब मैं कह रहा हूं मार्जिनल डिक्रीज होगा, टोटल बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं इंक्रीज होगा, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए जरा यहां चेक करिए, अभी हम पहले मार्जिनल वर्ड का ऑपरेशन कर रहे हैं, देखिए यहां से दोबारा समझिएगा आप लोग नॉन इकोनॉमिक्स, पहले व्यक्ति ने 10 बनाया था, दूसरे के आने के बाद 22 हो गया, टोटल बढ़ा, सेकंड वाले ने कितना बनाया 12, यानी मैं बोल रहा हूं टोटल बढ़ा मार्जिनल बढ़ा, दो लोगों ने 22 बनाया था, तीसरे के आने के बाद टोटल 36 हो गया, टोटल बढ़ा, और आपने गैस करा कि अगले ने कितना बनाया 14, मार्जिनल भी बढ़ रहा है, पहला वाला 10 बना रहा है, दूसरा 12, तीसरा 14, चौथे के आने के बाद 40 हो गया, टोटल तो अब भी बढ़ रहा है लेकिन मार्जिनल क्या हो रहा है, कम हो गया, तीसरे ने 14 बनाया तो चौथे ने कितना बनाया 4। आप एक बात बताइए, हर अगला देने की कुछ ना कुछ तो ऐड करेगा, देखो पहले से ज्यादा है कितना देना पड़ेगा कि उसका एडिशन में क्या है, भाई इन्होंने 10 बनाए इनके आने का टोटल 12 हो गया, तो सेकंड वन मोर एजुकेटेड लेस एफिशिएंट, इन्होंने 10 बनाए टोटल 12 हो गए, क्या आने के बाद
टोटल तो बढ़ा पर शीट मोर एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट। तो हम ये कह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी है किसी को ये ज्यादा अच्छी है ये और अच्छी है, टोटल का देखना पड़ेगा कि किस स्पीड से बढ़ रहा है। अगर टोटल तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यानी एक पे 10 तो दो पे होना चाहिए था 20 बट दो पे हो रहा है 22, दैट मींस टोटल इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इसका मतलब सेकंड पर्सन क्या है, मोर एफिशिएंट लेस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट। दो पे 22 तो तीन पे 33 बनना चाहिए था बट तीन पे 36 हो रहा है, इसका मतलब थर्ड वन मोर एफिशिएंट, तो टोटल बढ़ रहा है तेजी से, तो ऐसे में हम बोलेंगे मार्जिनल भी बढ़ेगा। तीन लोग 36 बना रहे हैं तो चार लोगों ने 48 बनाना चाहिए था बट फोर्थ वन के आने के बाद 40 हो रहा है, तो टोटल तो बढ़ रहा है बट उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब फोर्थ वन इज लेस एफिशिएंट। यहां गिरने लगा। तो एक मार्जिनल के लिए हम एक बात लिख सकते हैं कि मार्जिनल डिपेंड्स ऑन टोटल इफ टोटल इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल इंक्रीजेस इफ टोटल इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट मार्जिनल डिक्रीजेस इफ टोटल डिक्रीजेस मार्जिनल नेगेटिव। ये तीन बातें आपको समझनी है आगे के पूरे, जब भी मैं मार्जिनल की बात करूंगा मींस ये बात है, इफ टोटल इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल को अगर पहचानना है हर एक बंदा क्या क्या कर रहा है तो हमेशा किससे ध्यान देना पड़ेगा, टोटल से। टोटल का पैटर्न देखिए, अगर हर बंदे से टोटल बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब हर अगला बंदा टोटल बढ़ रहा है और यूटिलिटी में कहां यूज होगा वो अलग बात है, ठीक है। फॉर्मूले इसके दो आए, मार्जिनल इक्वल्स टू टी एन माइनस टी एन माइनस वन और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एन, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एन। अब लॉ मैं क्या बता रहा हूं, लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहते हैं जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर अगले से, मार्जिनल मतलब ईच एडिशन, हर अगले से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। जैसे जैसे हम किसी चीज को यूज करते हैं पहला वाला ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, उससे अगला कम देता है और उससे अगला और कम देता है। क्या ये प्रैक्टिकली होता है या नहीं होता है, आप किसी चीज को यूज करते रहे तो उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, कम होता जाता है। और जब सेटिस्फेक्शन कम हो जाते हैं तो कंज्यूमर उनके लिए पैसा कम देना चाहता है, इसलिए दो शर्ट पे ज्यादा डिस्काउंट होगा, तीन के और डिस्काउंट होगा। इस लॉ को मैं आपके साथ कल एक्सप्लेन करूंगा। कल आपकी क्लास कितने बजे छूटती है राजू सर? 8 o'clock छूट जाती है। कल मैं आपको एग्जैक्टली 8 o'clock में मिलूंगा यहाँ। कल हम पूरे उसको करेंगे, कोई निशान सर पहुंच गया उनका मैसेज आ गया, टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। तो कल हम यहाँ पर बात करेंगे बट मार्जिनल मैंने तीनों चीजें बता दी। डिमिनिशिंग का मतलब भी नोट कर लीजिएगा, डिमिनिशिंग इंक्लूड्स 12th की अब चीजें एनालाइज करिएगा, ये जहां पे वर्ड डिमिनिशिंग आया वहां नेगेटिव भी एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ क्या था, डिक्रीजिंग रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स? लॉ